गुरुदेव भगवान, हमने संसार में जिनको अपना आश्रय मानकर जीवन साथी के रूप में वर्ण किया और जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने ही जब हमें ठुकरा दिया और जीवन की मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इतना सब होने पर भी उनके प्रति अति मोह आसक्ति खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरणों में कैसे लगे? हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं, और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। संसार का यह स्वरूप, पर मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप नहीं है। सबरी मैया कोई ऐसा थोड़ी बहुत रूप ऊंचे कुल की, ऐसा नहीं था। सबर जंगली जातियों में आती है उनमें, लेकिन भगवान की भक्ति से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रम में भगवान नहीं गए, सबरी माता गए। भगवान ये सब संसार यही सब देखता है, तुम्हारा रूप, तुम्हारा गुण, तुम उसके काम लायक हो कि नहीं हो। अगर स्वार्थ की पूर्ति लायक नहीं हो तो कोई भी हो, हट जाओ या वो मार डालेगा। संसार का स्वरूप है, कोई न कोई नाटक करके तुम्हें नष्ट कर देगा संसार। लेकिन हमारे भगवान कैसे भी नीच पतित अवगुणी कुरूप बिल्कुल मूर्ख कैसा भी हो, भगवान उसे अपनी गोद में ले लेते। तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना।